सबसे ज्यादा युवा सीटी तो परेशान हो गई है। सीटी लगभग 11 लाख बच्चों ने पेपर के फार्म भरे थे, 7.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उनमें 3.5 लाख समथिंग बच्चे पास हैं। सरकार ने पॉलिसी बना दी कि ग्रुप सी की जो नौकरी निकलेंगी उनमें के 4 गुना बच्चे बुलाएंगे, जिस 4 गुना बच्चों में जी जो बाकी 3 लाख और पास है वो पेपर नहीं दे पाएंगे, ये जो ऊपर ऊपर वाले 50,000 बच्चे नहीं पेपर दे सके। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने ये कहा है कि हम नौकरी देंगे जो मेरिट में होगा, बैठ जाओ, जो मेरिट में होगा जिसके नंबर ज्यादा होंगे। पहली बात तो ये है कि सीटी में भी हमने जो 35,000 जो 35,000 नौकरियां ली, कितनी 35 निकाली जो आज कितनी नई नौकरी सी ग्रुप सी में 35,000 नौकरियां सी ग्रुप में नई निकाली हमने, तो जो 35,000 बच्चे अगर सी में भी 35,000 ऊपर फर्स्ट उसमें तो आए ही होंगे, नंबरों के हिसाब से आए होंगे ना। अगर हम चाहते तो मेरिट पर जो अब पास करके सबसे ऊपर नंबर ले गए 35,000 उनको उठा के नौकरी दे देते तो क्या सबको मिल जाती? नहीं मिलती ना। फिर भी हमने क्या कहा कि नहीं भाई 35,000 में हो सकता है कोई बच्चा अच्छा होशियार हो लेकिन किसी कारण से भी परीक्षा नहीं कर सका, थोड़ा कम रह गया, तो हमने कहा कि 35 नहीं 1,40,000 बच्चे मांगेंगे लेंगे हम, उस 1,40,000 का हम एक और टेस्ट ले लेंगे, उस 1,00,000 का लेने तो 35 है 36,000 नहीं ले सकते, तो 1,40,000 में से 35 अगर आते हैं तो भी मेरिट वाली है ना 1,40,000, 3.5 में 1,40,000 है तो सारे हरियाणा में नहीं है, पहले 3.5 पास किए, पास में से जो ऊंचे नंबर के 1,40,000 है उनमें से एक टेस्ट और ले लिया, इसमें जो नंबर यानी फर्स्ट आएंगे वो 35,000 ले लेंगे। अगर हम लगातार 11 लाख कोई लेते रहे तो इतना तो सिस्टम हमारे पास नहीं होता कि 11 लाख का हर बार पेपर लेंगे, और 4 गुना में भी सारे के सारे जो 4 गुना के बाहर हैं वो सिलेक्शन हो जाएगी, और पहले पेपर में मानो उसका अगर किसका 35% नंबर आए हैं तो उस 35 के वो 80% ले जाएगा, ऐसा तो सोचना नहीं चाहिए। 35 वाला 38-40 कर लेगा, 55 वाला 60 कर सकता है, और ये भी हो सकता है जो 65 वाला वो 60 पर आ जाए। दोबारा पेपर में 2-4-5% ऊपर नीचे होता है, दोबारा पेपर में कभी ये नहीं होता कि 40 वाला पेपर आ जाएगा, तो जो ऊपर 35,000 आने हैं वो तो ऊपर क्लास के जो 60% 65% 70% 80% ले जाएंगे वही सिलेक्ट होंगे। अब जो नीचे नंबर वाले हैं उनको मान लेना चाहिए कि अगली बार फिर ट्राई करें, मेहनत करें, आज अगर उसके 45% नंबर है अगली बार 60% ले 70 ले, मेहनत करके आगे आना पड़ेगा। वो जमाना खत्म हो गया, वो जो भाई मेरा कह रहा था कि कांग्रेस में तो उसकी कीमत थी 25 लाख या 15 लाख जो भी कहा उसने, वो यहां नहीं है एक पैसा भी, यहां तो मेहनत है उसकी कीमत, मेहनत करो अच्छे नंबर लाओ, एक टेस्ट में भी लाओ दूसरे में लाओ और नौकरी पाओ, ठीक है। और भाई कुछ तो मन में बचावा रह ही जाता है, मुझे कुछ चीज नहीं मिली तो मैं 10 बहाने ढूंढता हूं, नहीं ये सबके साथ होता है, हो सकता है मुझे भी कुछ चीज ना मिले मैं भी बहाने मारूंगा भी इसलिए नहीं मिली, योग्यता जितनी होता मिलेगा।